الله لنا شكر، الله لنا شكر، الحمد لله الحمد لله. وقيت ठीक الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم रवा यरवी रविया यरवा एक मादे से कई बाप बनाते हैं, कई शक्लें बनाते हैं, तो उसका अलग अलग मफहूम होता है। ये बाप अलिमा यालमों से हो तो रविया यरवा के माने होते हैं लोग जो हैं वो सैराब हो जाएं। अल्लाह अकबर। तर्जमा ये है कि किसी कुएं से पानी निकालना यहाँ तक कि लोग जो हैं वो उसका पानी पीकर सैराब हो जाएं, यानी वो पानी जो है वो उनकी हाजत भी पूरी करे, बल्कि खुली हाजत यानी खुला पानी हो। रवा हो अबू हुरैरा था अन नबी, इसके बारे में अबू हुरैरा की रवायत जो नबी अकरम से है वो भी इमाम बुखारी आगे बयान करेंगे। हद्दसना याकूब इब्न इब्राहीम इब्न कसीरन हद्दसना शुएब इब्न हरबिन हद्दसना ये लफ्ज़ सखर है ना, सखर सखर इब्न जुवैरिया था। हद्दसना नाफ़िउन अन्न इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा हद्दसहु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना अना अला बिरिन अन्ज़ाउ मिन्हा इस जा अबू बकर व उमर व अख़ज़ा अबू बकर अबू बकर निल दलवा व नज़ा जनूबन औ जनूबैन व फी नज़ ही ज़ाफ़ुन व गफ़र अल्लाहु लहु सुम्मा अख़ज़ा उमर इब्नुल ख़त्ताब मिन बकर अबी मिन यद अबी बकरिन फस्तहालत फी यद ही गरबन फलम अरा अबकरियन मिन अन्नास यफ़री फरियहू हत्ता ज़रबन नासो बे अतन। अल्लाह इस हदीस का तर्जमा यूँ है कि अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं वो रवायत करने वाले हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
बैना अना अला बिरिन, इस दौरान में कि मैं एक कुएं पर था, अनजाओ मिनहा, मैं उसमें से कुएं से पानी निकाल रहा था, तो लेकिन पानी की वाफर ज़रूरत थी, उतना पानी बाहर नहीं निकल रहा था, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले मेहनत करते रहे, तो जब पानी निकलना शुरू हुआ तो इस दौरान में जो है वो अबू बकर सिद्दीक आ गए। तो ख्वाब की बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फिर आराम किया, तो अबू बकर सिद्दीक ने जो है वो डोल खींचना शुरू किया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के डोल खींचने में कुछ कमज़ोरी थी, तो इसलिए अबू बकर सिद्दीक ने एक या दो डोल जो हैं वो खींचे तो हैं, लेकिन उनकी खींचने में जो था वो ज़ाफ़ यानी कमज़ोरी थी। फ़गफ़र अल्लाहु लहू, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे। अल्लाहु अकबर। सुम्मा अख़ज़हा उमर इब्न अल-ख़त्ताब, फिर इस डोल को जो है वो उमर बिन ख़त्ताब ने ले लिया, तो अबू बकर के हाथ से। अब सूरत हाल ये है कि वो जो डोल है वो छोटे डोल की बजाय बहुत बड़ा जो है वो बन गया। फस्तहालत फी यदिही गरबन, गरबन जो है वो एक बहुत बड़े डोल को बोलते हैं, और डोल भी बहुत बड़ा हो गया, और मैंने कोई ऐसा अपकरी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, ये होता है असल में जिसकी ताकत जो है वो, यानी किसी मामले में कोई शख्स जो है वो अगर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाला हो तो उसको जो है वो अपकरी कहा जाता है, वो ताकत के अतबार से हो या किसी और काम, उसमें ज़ाहिर है कि बड़े होने की वजह से उसकी ताकत भी ज़्यादा होती है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है यानी नबी अकरम फरमाते हैं कि मैंने इतना ताकतवर आदमी जो है वो नहीं देखा, जिस तरह के अब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो बेतकल्फी से जो है वो ये डोल खींचते रहे। यानी मकसद ये है कि उनके एक तो खींचने में भी जो थी मजबूती थी, और इसके अलावा जो है वो बहुत फ्री हैंड जो है वो काम होता रहा। तो आपने यही फरमाया कि मैंने कोई ऐसा ताकतवर या अपकरी आदमी, आदमी के माना होता अंग्रेजी ज़ुबान में इसको जीनियस कहते हैं, हमारे यहाँ जो एक आदमी बहुत अहमियत रखता हो, बहुत बड़ा हो अपनी सलाहियतों के अतबार से, उसको अपकरी कहते हैं। हैं जी, इंग्लिश में हीरो का लफ्ज़ जो है, नहीं हीरो नहीं, जीनियस। हीरो असल में ये होता है कि कोई किसी फिल्म में जो है जो असल किरदार होता है उसको जो है वो कहते हैं हीरो, लेकिन ये जो है ये असल में ताकत के अतबार से जो है वो बात हो रही है, और यहाँ ये है कि यानी मतलब उनकी ताकत मामूली नहीं थी, गैर मामूली ताकत के मालिक, तो अब कई है तो वो इस तरह जो है वो खुले हाथों जो है वो ढोल खींच रहे थे कि हत्ता ज़रा बन नास हो बेअतन, यहाँ तक कि लोगों ने जो है वहाँ अतन बना लिए। अतन ऐसा होता है कि जब कुओं से या इसी तरह जो है वो जो पानी जो है वो होता है नीचे, तो उस पानी अगर वाफर आना शुरू हो जाए तो फिर लोग ये समझते हैं कि अब ये वाफर पानी कोई और लेगा, तो अब उसी उसके पास ही जो है वो कुछ जगह बना देते हैं कि अपने जानवरों को जो है वहीं बिठा देते हैं कि फिर दोबारा जब बारी आएगी तो जानवर यहीं से ले लेंगे। तो अतन से मुराद वो जगह होती है जो किसी कुएं या हौज के
एक तरफ जो है वो बनाई जाती है जानवरों के लिए, तो आप उसको कह सकते हैं कि ठहराव वक्ती तौर पर ठहराव था, लेकिन ज़ाहिर है कि वो मुस्तकिल तो वहाँ कोई रिहाइश नहीं होती जानवरों की। तो यहाँ तक कि लोगों ने जो है वो अपने ठहराव की जगह बना दी। हैं यफ्री का माना फ्री हैंड, यानी फरियाहू, यानी हज़रत उमर की तरह इतनी बेतकल्लुफ़ी से कोई नहीं खींच रहा था। मैंने उसका ज़रा तर्जमा इसलिए फ्री हैंड किया है, ये ज़रा ज़्यादा वाज़ेह है कि हाथ के अंदर कोई रुकावट ही कोई नहीं, कोई कमज़ोरी है ही कोई नहीं, और बड़ा फ्री हैंड काम चल रहा है। तो फरियाहू की जो ज़मीर है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ जा रही है, यानी हज़रत उमर की तरह का जो है वो फ्री हैंड जो है वो जो काम कर रहे थे। तो अल्लाह अकबर, असल में दुनिया के अंदर बहुत जल्दी तब्दीलियां हो रही हैं, दिन रात तो वैसे छोटे हो गए हैं। तो बार सूरत ये काम जो होता है ना, पानी नीचा हो और इसको जो बड़े बड़े जो हैं वो बना देते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे बना देते हैं जैसे टब होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो टब बना देते हैं, तो उन टबों को जो है वो फिर उनके साथ रस्सियाँ बांधी होती हैं। तो होता ये है कि वो टब जो है वो रस्सियों को पकड़ कर जो है वो ऊपर खींचे जाते हैं, और जब ऊपर खींचे जाते हैं तो फिर वो ये हर आदमी काम नहीं कर सकता, ये बड़े बड़े ताकतवर लोग जो हैं ये काम करते हैं। और इस मामले में जो है वो क्योंकि पानी नीचा होता है और जिस ज़मीन को सैराब करना होता है वो ज़मीन ऊंची होती है, तो इसलिए जो है वो यहाँ डोल खींचना जो है वो यहाँ डोल की बजाय आप यूँ समझ लीजिए टब बन गए हैं, और वो टब जो हैं वो खींचे जा रहे हैं, और खींच कर जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो इस तरह उसको फ्री हैंड खींच रहे हैं। तो यहाँ तक कि जो मवेशियों को सैराब करने के लिए लोग आते हैं तो फिर वो वहाँ अपना पड़ाव डाल लेते हैं, ये पड़ाव का लफ्ज़ जो है ये ज़्यादा मुनासिब है। तो मैंने बताया कि अतन से मुराद वो जगह होती है जहाँ को जानवर जो हैं वो बैठ जाएं, तो ज़ाहिर है कि वो जानवरों को जो वहीं बिठा देते हैं ताकि दूसरा जो है वो उनकी बारी ना ले ले। तो बाब व नज़ ज़नूब व ज़नूबैन मिन अल बिर बिज़ाफ़िन, इमाम बुखारी के जो तरीक़े हैं इज्तिहाद व इस्तिंबात के, मैं बता चुका हूँ कि इमाम बुखारी जो हैं वो एक हदीस को जो है वो एक उनवान बांध कर लाते हैं, फिर उसके बाद उसी हदीस को जो है वो नया उनवान बांध कर ले आएंगे, लेकिन जो हदीस है ना पहली वो हूबहू वो नहीं होगी, यानी अल्फाज उसके अगर करीब हैं तो सनद में फ़र्क होगा, और अगर सनद भी वही हो तो फिर अल्फाज में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। तो इमाम बुखारी का मकसद असल में ये है कि जो हदीसें जब रवायत की जाती हैं तो उसमें चूंकि थोड़ा बहुत माने का फ़र्क होता है, जहाँ कहीं कोई अल्फाज याद ना हो फिर वो अपनी तबीर वहाँ कर दी जाती है, और इस तरह से जो है वो बात दूसरे को समझा दी जाती है। तो इस तरह जब रवायत करने वाले कई होंगे, ख़ास तौर पर जबकि सहाबा कई हों, तो उनको फिर कई हदीसें शुमार करते हैं, लेकिन अगर सहाबी एक ही हो और उसी एक सहाबी से रवायत करने वाले कई हों तो उसको जो है वो अगर बुखारी मुस्लिम जो है वो दोनों एक ही सहाबी से रवायत करें तो उसकी इस्तिलाह है मुत्तफ़िक़ अलैह, कि ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है, यानी बुखारी और मुस्लिम ने जो है वो एक ही सहाबी से, चूँकि एक सहाबी के साथ हदीसों का शुमार होता है कि ये एक हदीस है, और उसके बाद अगर नया सहाबी आ जाए तो वो तो दूसरी हदीस समझी जाती है। तो इसलिए कि असल में सहाबी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़बर देता है, तो चूँकि ये ख़बर है कुरान मजीद के बयान के बारे में, कुरान मजीद की मुराद के बारे में, तो ये ख़बर जो होती है वो इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ
सहाबा से अगर होगी तो इसका माना यह है कि जैसे कि एक वाक्या होता है उसके कई गवाह होते हैं, ये ताबीर जो है वो इमाम शाफ़ी की है, तो वो सबसे पहला काम ये करते हैं इमाम शाफ़ी कि अहादीस के जो हैं कई मफाहीम जो हैं वो उससे निकलते हैं, लेकिन सूरत हाल ये होती है कि वो तमाम जो आदमी होते हैं अगर उन तमाम को सुन लिया जाए तो फिर बात जो है वो हर एतबार से मुकम्मल हो जाती है। और ये तरीका जो है ये अहल इलम जिनके पास वाफर हदीसें हों वो काम करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें भी तौफीक दी कि एक बड़ा मुश्किल काम था वो हमने जो है वो संभाल लिया, वो ये था कि फतवों पर और इसी तरह जो है वो इस्लामी मौजूआत पर तो बड़े इंसाइक्लोपीडिया आ गए हैं, इंसाइक्लोपीडिया को उर्दू में कहते हैं दायरतुल मारिफ और अरबी में कहते हैं मौसूआ, तो इंसाइक्लोपीडिया कई मौजूद हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों ने भी ये अहतमाम किया, पहले तो जमाल नासिर ने काम किया था, एक उसने जो है वो इस तरह मौसूआ तैयार करवाया था, फिर कई मौसूए जो हैं वो तैयार हुए, लोग अलग अलग सहाबा के नाम से भी मौसूए तैयार करते रहे, लेकिन यह है कि हमने जो मौसूआ शुरू किया था उससे हमारा मकसद ये था कि जब एक जो है वो निज़ा होता है, यानी हमने फतवे की बजाय जो है वो निज़ा की बुनियाद पर जो है वो कि एक जो निज़ा होता है उसके बारे में जितनी हदीसें हैं वो तमाम की तमाम इकट्ठी करके एक जगह पर जो है वो उनको सेट किया जाए, तो ये काम जो था बड़ा मुश्किल काम था। जब इस काम को जो है वो मैंने शेख इब्ने बाज़ से ज़िक्र किया तो शेख इब्ने बाज़ कहने लगे कि ये काम जो है वो बड़ा मुझे मुश्किल नज़र आता है, मुझे नहीं ख्याल कि आप ये कर सकेंगे, लेकिन फिर कहने लगे नहीं नहीं इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप इसके लिए कोशिश करें। तो हमने इसके लिए फिर बड़ी कोशिश की, तो इसके लिए हमें मिसाल भी जो है वो शेख अल्बानी से मिल गई। ये तो आपको इल्म है शेख अल्बानी का तरीका ये है कि एक किस्म की जो चीज़ें हैं वो सारी अलग इकट्ठी कर देते हैं और दूसरी किस्म की चीज़ें, जैसे कि इमाम शेख अल्बानी ने यह काम किया है कि हर किताब जो है अबू दाऊद के बारे में, इसी तरह जो है वो तिर्मिज़ी के बारे में, सुनन नसाई के बारे में, इसी तरह इब्ने माजा के बारे में, फिर इसी तरह जो है वो और जो कई किताबें हैं जैसे जामे सगीर है उसके अंदर, तो इस तमाम पर यूँ काम किया है कि इनमें से सही हदीसें सारी अलग कर दी हैं और ज़ईफ़ हदीसें जो है वो एक तरफ कर दी हैं, तो किताबें ही उन्होंने दो दो बना दी हैं। तो इसके ऊपर फिर उन्होंने पूरी अपनी तहकीक भी पेश की है, ख़ास तौर पर जामे सगीर के अंदर तो बड़ी तहकीक पेश करते हैं, बाकी किताबों में भी सुनन में पेश करते हैं, बुखारी मुस्लिम में जो है उन्होंने इतना काम किया है कि इमाम बुखारी, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ना कि इमाम बुखारी एक हदीस को बार बार लाते हैं और उसका उन्वान जो है वो अलग काम करते हैं, शेख अल्बानी ने ये काम किया है कि जितनी हदीसें बार बार आई हैं वो तमाम की तमाम जो है वो छोड़ दी हैं और उनमें से एक जो जामे तरीन हदीस है ना उसको ले लिया है। तो इस तरह उन्होंने बुखारी का इख्तसार किया है कि जो दोबारा ये हदीस लाने वाली बात है ना ये शेख अल्बानी ने ख़त्म कर दी है। अब ये जो काम था शेख अल्बानी का ये अल्लाह का शुक्र है छप चुका था, मुझे उन्होंने एक जिल्द जो है वहाँ जब मैं उर्दू में गया तो मुझे दी, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये काम जो है शेख अल्बानी ने जो है वो इस तरह का किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम है, तो हमने शेख अल्बानी के काम को सामने रख कर जो है इस पर बड़ी मेहनत की। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो कुछ लोगों ने हमारे साथ इस पर बड़ा तआवुन जो है उसका इजहार किया, लेकिन असल में उस तरह तआवुन हो नहीं सका, तो इसलिए काम भी सुस्त पड़ गया है। तो अल्लाह ताला तौफीक दे के इस काम को जो है वो जो एक अच्छा काम था, यानी ख़ास तौर पर इसके अंदर ये था ना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि फतवे का और कज़ा का फ़र्क ये होता है कि कज़ा जो होते हैं वो आम तौर पर जो मामलात निज़ाई होते हैं उनके बारे में जब फैसला दिया जाता है तो उसको कज़ा बोलते हैं, और वो जो फैसले दिए जाते हैं वो बाज़ मुल्कों में तो उनकी बड़ी अहमियत है, बल्कि अक्सर मुसलमान मुल्कों में जो है इसकी बड़ी अहमियत है, वो
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को बुनियाद बनाकर जो है फिर उससे जो है नई नई चीज़ें जो है वो निकालते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि असल में फैसले के अंदर एक मखसूस जो है वो नुक्ता होता है जो हल करना होता है। इसीलिए जो जज लोग हैं वो शहादतें लेने से पहले उन नुक्तों को मखसूस कर देते हैं कि दोनों पार्टियों के ज़िम्मे जो है वो कौन कौन से नुक्ते हैं जो उन्होंने साबित करने हैं। तो एक मुद्दई पार्टी जो है उसके भी गवाहान लिख लिए जाते हैं और जो एक मुद्दालय पार्टी है उसके भी गवाहान लिख लिए जाते हैं। तो इस तरह दोनों की गवाही लेकर, लेकिन जो हमारा सिस्टम है इस वक्त पाकिस्तान में और बहुत से इस्लामी मुल्कों में, वो जो है वो असल में ये सिस्टम है बरतानिया का। बरतानिया के अंदर जो है वो जो लोगों की आदात जो है वो पुख्ता हो जाएं तो उनको कहते हैं कि उर्फ़। तो बरतानिया के अंदर जो कानून की बुनियादी सूरत है वो ये है कि उर्फ़ बुनियादी कानून है। यानी उनके यहाँ कोई इस तरह का दस्तूर जो है वो तैयार नहीं है, बल्कि जब कोई लोगों का इख्तलाफ होता है ना उर्फ़ के बारे में कि एक आदमी कहता है कि नहीं मैंने सही काम किया है, तो उस वक्त जो है वो फिर उर्फ़ जो है वो तलाश करके जज फैसला करता है कि ये उर्फ़ है। हमारे माशरे का जो रवाज है वो ये है, तो जब रवाज जज तय कर देता है तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉ। यानी फिर उस वक्त जो उसकी कानूनी हैसियत हो जाती है। तो अदालतों का जो क्या काम है, कानूनी जो है वो नुक्ता के तहत फैसले करते हैं। जो मुल्क शरीयत नाफज नहीं करते उनके यहाँ जो है कानून का नफाज होता है। तो ये कानून जो है वो इंसानों का बनाया होता है और शरीयत जो है वो अल्लाह ताला की भेजी हुई है। इसलिए शरीयत के अंदर जो जामियत होती है वो इंसानी कानून के अंदर नहीं होती। हत्ता कि अब आप देखिए कि हमारे मुल्कों का हाल ये है कि अगर हाई कोर्ट एक नुक्ता जो है उसका फैसला कर देती है, इसी तरह जो है वो अगर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ अपील हो जाए या ये है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ तो एक नुक्ते का वो फैसला करती है, तो वो नुक्ता जो है वो कानून बन जाता है। अब आप बताइए, हालांकि वो एक पहलू था। तो इस तरह कानून तो बहुत ही जो है वो महदूद चीज़ हो जाती है, नहीं बहुत वसी हो जाती है, लेकिन इस ये सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि इसके अंदर जो है वो एक एक नुक्ते पर जो है वो इस तरह की सूरत हाल बनती है। तो बरतानिया ने तो अब अपनी जो पिछली तारीख़ है वो सारी की सारी इस तरह उर्फ़ की बुनियाद पर जो है वो उन्होंने जो है वो मुकम्मल की है। लेकिन जो हमारे जैसे मुल्क हैं जो कई मुल्कों के जो हैं वो मुकलद होते हैं, इसलिए कि हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि हर काबिलियत जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में है और हम जो हैं वो माजूर हैं। यानी जैसे कहते हैं ना, एक आदमी ने काम ना करना हो तो अपने आप को माजूर बना देता है। जैसे कि कह दिया जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज़रा ठहर के आऊँगा। तो मकसद तो ये वाजह है कि असल में कोई काम और पड़ गया है, लेकिन इस बहाने से जो है वो छुट्टी दी जा रही है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब पाकिस्तान का जो कानून है उसके अंदर दो किस्म के जो अंदाज़ हैं कानून के, उनको इख्तियार किया गया है। बरतानिया में तो मैंने आपको बताया कि उर्फ़ का जब इख्तलाफ हो जाए तो फैसले अदालतें करती हैं और फिर उसके बाद वो कॉमन लॉ बन जाता है। लेकिन फ्रांस के अंदर नेपोलियन ने जो है वो एक दस्तूर बनाया था, यानी वादा की थी बुनियादें कि हमारे कानून की बुनियादें क्या होंगी। और नेपोलियन जो है उसकी बहुत शोहरत इसलिए है कि उसने बहुत इलाके जो हैं वो फतह किए। तो वैसे ये है कि वो हार मानने वाला नहीं था, इसके कई वाक़ियात हैं मगर मैं इस तफसील में नहीं जाता। तो फ्रांस का जो कानून है वो इस तरह का बनाया हुआ दस्तूर है। तो अब पाकिस्तान में भी हम दस्तूर बनाने के लिए तो फ्रांस की पैरवी करते हैं और उसके बाद दस्तूर पर जो इजाफे होते हैं वो अदालतों के फैसलों के अंदर जो नुक्ते आते हैं उनको कहते हैं रूलिंग। तो वो जो नुक्ते आते हैं इस तरह के, उनको भी कानून के अंदर शामिल कर दिया जाता है। इसलिए जब अदालत में कोई केस हो तो उसके अंदर सिर्फ दस्तूर जो है उसका हवाला नहीं दिया जाता, बल्कि इस तरह मुख्तलिफ अदालतों के हवाले देकर जो है वो कहा जाता है कि इससे मुराद ये है, इससे मुराद ये है। और इस तरह जो है वो इतना जो है वो ये जो अदालती जो है वो फैसले वो इतने आम हो गए हैं कि हमारे यहाँ जो
हमारी आला अदालतें जो कानून की अदालतें कहलाती हैं, जो वो रूलिंग देती हैं, उन रूलिंग को जो है वो अगर आप जमा करें तो बहुत बड़ा ज़खीरा है। तो आप ये कई इसके लिए मजमू तैयार हो रहे हैं। एक बड़ा मशहूर जो है वो PLD के नाम से है, और इसी तरह जो है वो और भी कई मजमूए हैं। तो उन्होंने अपने अपने तौर पर जो फैसले होते हैं उनको वो जमा करते हैं, और उसके बाद जो है वो अगला साल जो है जब एक साल पूरा होता है तो फौरन वो किताब जो है वो आ जाती है। तो इस तरह जो है वो उनके जो मशहूर वकला हैं और जज हैं वो तो इंतज़ार में होते हैं कि जब ये फैसले इकट्ठे हों तो फौरन जो है वो लाइब्रेरी में रख लिए जाते हैं, और उसके बाद फिर ये फैसले जो हैं वो हवाले से। इस वक्त जो है वो जो ये पंजाब की जो हाई कोर्ट है, वैसे तो उसे लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं, प्रिंसिपल सीट तो लाहौर हाई कोर्ट है, बाकी जगह पर जो है वो उसकी ब्रांचें हैं, रावलपिंडी में भी, मुल्तान में भी। तो उसकी जो है वो तमाम फैसले जो हैं वो अगर आप हाई कोर्ट में जाएं तो आपको बड़े पुराने फैसले मिल जाएंगे, इन 100 साल पुरानी भी जो उन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो हमने भी जो है वो एक कोशिश की थी जिसमें 200 साल हमने पुराने जो फैसले हैं ना इस्लाम के नाम पर, सिर्फ हमने वो इकट्ठे किए थे। तो बार ये काम बहुत बड़ा है जी। हाँ जी, नहीं नहीं ये ज़फ़र अली राजा ने, खलील रहमान साहब ने तो सिर्फ इतना काम किया था कि उन्होंने हमारा जो काम था ना उसको, जब वो इस्लाम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो है वो रेक्टर बने तो वो काम उन्होंने वहाँ शाया कर दिया। तो हालांकि वो काम हमारा था, वो जस्टिस खलील रहमान का ज़ाती काम नहीं था, वो काम तो हमने मेहनत करके की थी, अब उन्होंने जो है वो उसको शाया कर दिया। तो इसलिए ये बात नापसंद की गई। अच्छा, वो जब शाया उन्होंने किया तो ख़ुद तो वो आलिम दीन नहीं है, उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने किसी मिस्री से काम लिया, मिस्री ने उसको जो है वो फिका बना कर शाया कर दिया, और वो जितने भी जो थे ना उन फैसलों के अंदर जो जो चीज़ें देर पास आई थी वो हम तो बाद पहले लिखते थे, उन्होंने सारे वो बाब बना दिए, बाब बना कर उन्होंने उसको फिका बना दिया। हालांकि हमारा मकसूद फिका नहीं था, हमारा मकसूद तो असल में ये था कि हम जो मतन है फैसले का वो इकट्ठे करें, और जितनी उसकी रवायतें हैं वो तमाम इकट्ठी करके उनके हवाले भी दें कि ये रवायत हमने वहाँ से ली है, ये रवायत वहाँ से ली है। देखिए ना, आपके पास वो 4 जिल्दें पड़ी हुई हैं, आप देखें हमारा कितना मेहनत का काम है। तो बारसुत अल्लाह ताला तौफीक दे, काम हमने बहुत शुरू कर दिए हुए हैं, बारसुत अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हमें तौफीक दे। तो मैंने जो आपको बताया है कि हमारे कानून के अंदर जो है वो अब इतनी वसत आ गई है कि अब कोई आम जो वकील है वो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो वकालत नहीं कर सकता, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में तो उस वकील का काम है सारे फैसले जो है वो जजों के सामने पेश करे। तो असल बात ये होती है कि जज जो है वो वकीलों से काम लेते हैं, और उस वक्त जो है वो वकीलों की बड़ी टौर होती है, वो अदालत का भी जो है वो उस्ताद होता है उस वक्त। तो इसलिए जो बड़े बड़े वकील हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है, जब वो अदालत में आ जाए तो लोग कहते हैं बस जी मामला ख़त्म हो गया। तो आपको ये भी पता है कि एक औरत थी जो जिसकी बड़ी खूबी तो ये थी कि वो बहुत ज़्यादा बेशर्म थी, और इसलिए वो औरतों की बजाय मर्दों की तरह चलती थी। तो कहलाती मुसलमान थी लेकिन उसकी शादी जो है वो एक कादियानी से हुई थी, और उसका नाम था आसमा जहांगीर। और आज जो है वो अदालतें उसका इतना एहतराम करती हैं कि उसका दिन मनाया जाता है बकाया, और ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि वो कितनी अजीम औरत है, कि इसने औरतों को जो है वो मादर पितर आज़ादी सिखाई है। मैं बस इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, इसलिए कि ये जगह जो है ये अच्छी जगह है जहाँ हदीस की बात हो रही है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहिए कि ऐसे लोग बार दफ़ा जो है वो सिंबल बन जाते हैं। अब आप देखिए कि उस औरत को जो है वो इस तरह अमेरिका और यूरोप नवाजता था कि इंसानी हकूक़ के नाम पर जो है उसने बहुत बड़ा कमीशन बनाया हुआ है, और बिल्कुल आपके करीब है। ये आप अपने सामने वाली सड़क को छोड़ दें और इन कोठियों के पीछे चले जाएं तो उस सड़क पर जो है वो उसका ये पूरा कमीशन जो है वो मौजूद है, बहुत बड़ा दफ्तर यहाँ भी मौजूद है, उसके अलावा
उसका जो बड़ा दफ्तर है वो गुलबर्ग में जो है वो, अगर मेन बुलेवार्ड पर आप जाएं तो वहाँ आपको जो है उसका 3 मंजिला दफ्तर जो है वहाँ बना हुआ है। चलिए, मैंने ये आपको बताया है कि कानून जो है वो कैसे बनता है, लेकिन मैंने आपको ये बताना है कि हमारे यहाँ कानून जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कानून जो है वो अल्लाह ताला की वही है, और अल्लाह ताला को जिस तरह मुस्तकबिल का इल्म होता है, किसी को तो मुस्तकबिल का इल्म ही नहीं होता। इसलिए कानून जो है वो, कोई कानून जो है वो ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो चंद सालों से ज़्यादा जो है वो चले। आप देखिए कि इस्लाम के नाम पर जो है वो मुजल्लतुल अहकाम अदरिया जो है वो खिलाफत उस्मानिया ने तैयार किया था, और उसकी मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि सूद जो है ये शरण जो हराम है और कानूनन जायज़ है। तो ये इस्लामिक कानून को जो है वो मुतवन किया उन्होंने, और असल में ये तरीका था फ्रांसीसी। तो उस वक्त उन्होंने फ्रांसीसी तरीके पर जो है वो सिविल लॉ तैयार किया, लेकिन फौजदारी कानून जो आपस में निजात झगड़े ज़ख्म के या इस तरह के मार धाड़ के जो मामलात होते हैं उनको फौजदारी कानून कहा जाता है, तो वो तो मुदवन हुआ ही नहीं। उस पर अगर कोई इस वक्त बेहतरीन किताब मौजूद है तो अब्दुल कादर औदा की किताब है। तो लेकिन अब्दुल कादर औदा ने जितनी भी सिफात पेश की हैं वो अपनी तरफ से फ़िक़ा की पेश की है, लेकिन वो सारी शरीयत की जो है वो, वरना ये है कि फ़िक़ा के अंदर तो ये जामियत होती नहीं, तो इसलिए उन्होंने शरीयत की जो इम्तियाज़ात हैं या शरीयत की जो बुलंदियाँ हैं अपने मुकदमा के अंदर इसको बहुत ज़्यादा वाज़ह किया है। फिर उसके बाद लेकिन पूरी किताब में जो सारी बातें हैं वो फ़िक़ा की हैं। बारसूरत मैंने आपको बताया कि मिस्र का ये ज़ेहन रहा और आज तक मिस्र का यही ज़ेहन है। तो लेकिन ये है कि सऊदी अरब इसके बारे में पहला मुल्क है जिसने किताब सुन्नत को जो है अपना दस्तूर करार दिया, और इसी तरह इल्हामी किताब के तौर पर जो है कि इल्हामी किताब दस्तूर बन सकती है। इसराइल ने इसकी मिसाल जो है बना दी है। अब इसराइल के यहाँ जो है वो तौरात नाफिज है, और तौरात की जो कानून के अंदर लफ्ज़ मारता है इंटरप्रटेशन, इंटरप्रटेशन से होता है कि कानून क्या मुतालबा करता है आपसे, कानून की शरह जिसे आप कहते हैं। तो इंटरप्रटेशन के तौर पर जो है वो उनकी जो फ़िक्र है तालमूद, तालमूद जो है वो कानूनन जो है वो उनकी फ़िक्र है। और ईरान के अंदर भी जो है वो सूरत हाल क्या है कि ईरान के अंदर जो दस्तूर जो है वो उसकी अंदर किसकी हैसियत है, उन्होंने कहा कि हमारे शरी दस्तूर में फ़िका जाफरी जो है इसकी पाबंदी है। यानी कोई यहाँ जो है वो कुछ फ़ैसला करेगा तो फ़िका जाफरी का पाबंद होगा, फ़िका जाफरी की कानूनी हैसियत है, इसको आप कानूनी तौर पर जो है वो लागू करें। लेकिन जो है वो जो भी मज़ीद कोई फ़ैसला करना होता है, मसलन फ़िका जाफरी के अंदर ही कोई बात उलझ जाए, तो उनके यहाँ जो है वो एक इस्तलाह है मुज्तहिदुल असर की। तो जो उस दौर का जो मुज्तहिद होता है ना, उसको जो है वो ये हैसियत देते हैं। अब उसका नाम जो है वो ईरान के अंदर बदल गया हुआ है, वो होता है आयतुल्लाह। तो आयतुल्लाह का जो काम है वो इतना ज़बरदस्त होता है, सारी असम्बलियाँ किसी कानून को पास कर दें और उसके बाद जो है वो आयतुल्लाह के पास वो कानून जाए और आयतुल्लाह कहे हम नहीं नाफज करते, सारी जो मेहनत है वो ख़त्म हो गई। इसको बोलते हैं थियाक्रेसी। थियाक्रेसी का माना ये होता है कि एक चीज़ जो है वो आप जब तैयार करते हैं तो उलमा का ठप्पा जो है वो उस पर लग जाए। चूँकि ईसाइत के अंदर एक बात ये है कि जब ईसाई लोग जो हैं वो उन्होंने हुकूमतों की बजाय कलीसा को ऐसा मुकाम दे दिया कि वही जो है वो सब कुछ दीन की बुनियाद था, तो कलीसा को ये इख्तियार दिया गया कि अगर गुनाहगार जो हैं वो लोग आ जाएं तो उन लोगों से कुछ रकम लेकर जो है वो आप उनके गुनाह माफ़ कर सकते हैं। तो ये ईसाइत के अंदर जितने आप देखते हैं ना कैथोलिक जो ख़ास तौर पर उनका कुछ मज़हब है, जैसे हमारे यहाँ ब्रेलवी जो हैं वो हैं, इसी तरह उनका कैथोलिक है। तो कैथोलिक जो है वो उसके अंदर
जो है वो यही रवाज है कि वहाँ, इसीलिए ये कैथोलिक के अंदर ही जो है वो जो पापाइत आती है, या उसको पापा कहते हैं, जो सबसे बड़ा पापा है वो इटली में जो वो इनका पोप आजम है। तो इस तरह जो है वो पैसे लेकर गुनाह माफ़ होते हैं। तो मैं वैसे इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने मुझे ये मायना करवाना था, मैं जब दुबई में जाता तो मेरा ठहराव जो है वो एक ऐसी मस्जिद में होता जिसके सामने ही जो है वो कैथोलिक कलीसा था। तो एक तो मैं उसके अंदर गया और मैंने देखा कि लोग आते हैं और जो हैं वो बाहों में बाहें डाली होती हैं, गैर मर्द और औरतें इकट्ठे आते हैं और जो कुछ भी उन्होंने बदकारियाँ की होती हैं वो आकर वहाँ पैसे देते हैं और पैसे देकर जो है वो चले जाते हैं, क्या पिछला तो माफ़ हो गया। जाते हुए बड़े आपस में मुबारक और खुशगपियाँ भी करते जाते हैं। तो इस तरह से जो है उनके यहाँ हर गुनाह जो है वो पोप के हाथ में है, वो जब चाहे माफ़ कर दे। अब ये बताइए कि इसको बोलते हैं पापाइत। लेकिन अब पापाइत छोड़कर इस्लाम को रोकने के लिए ये लफ्ज़ बड़ा बदनाम हो गया, थियाक्रेसी। तो देखिए अहले तशय्यो के अंदर तो उनका 12वां इमाम गायब है, तो इसलिए 12वें इमाम से शरीयत तो उसके पास है और जब 12वां इमाम गायब है तो ज़ाहिर है कि कोई ऐसा आदमी मुकर्रर करना चाहिए जिसको जो है वो 12वें इमाम से ताल्लुक़ हो। वो आयतुल्लाह का ताल्लुक असल में 12वें इमाम से होता है और वो जो चीज़ लेता है वो 12वें इमाम के नाम पर जो है वो नाफिज़ होती है। तो इस तरह से जो है वो उनके यहाँ जो कानून है, और यही वजह है कि ईरान के अंदर चूँकि वो लेते हैं इमाम के नाम पर, और इमाम के नाम पर जो है वो ज़कात 40% होती है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके माल से लिया जाता है। इस बिना पर जो है ईरान के अंदर जो है जब मजहबी हुकूमत होगी तो मजहबी हुकूमत बड़ी मालदार होती है। तो मैंने आपको बताया कि ये पापाइत जो है हम जो है वो मुसलमानों के यहाँ नहीं है। मुसलमान के अंदर जो असल कानून है वो वही है और उसके बाद वही जो है जो मौजूद है उसके अंदर इज्तिहादात किए जाते हैं। इमाम बुखारी असल में इस तरीके को जो है वादे कर रहे हैं कि इज्तिहाद जो है उसके साथ साथ मसला क्या साबित होता है। तो इमाम बुखारी एक हदीस को बार बार लाते हैं तो उसके ऊपर उनवान जो है वो अलग बांध देते हैं। जी चलिए जी आगे हम जो है वो पढ़ते हैं हदीस। हद्दसना अहमद इब्न यूनुस हद्दसना ज़ुहैर हद्दसना मूसा इब्न उक़बता अन सालिम अन अबी है। सालिम का बाप जो है वो उरवा है, यानी उरवा जो है वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के भाई हैं ना, उरवा बिन ज़ुबैर। तो ये सालिम उरवा बिन ज़ुबैर का बेटा है। हाँ जी कौन सालिम बिन खैर नहीं, लेकिन ज़्यादा मशहूर जो है वही सालिम है जो उरवा बिन ज़ुबैर का बेटा है। असल में इमाम बुखारी शुरू में तो जब ज़िक्र करते हैं तो नाम पूरे ज़िक्र करते हैं, लेकिन जब दोबारा लाएंगे तो फिर वो पूरा नाम ज़िक्र नहीं करते बल्कि बाद बाप का नाम भी छोड़ देते हैं, इसी को दोबारा लाए हैं। तो ये बात तो जो बुखारी का काम है ये तो वही शख्स कर सकता है जिसको बुखारी पूरी ही फजो। चलिए अब बात आ जाती है हमारे वालिद साहब को, बुखारी का 5वां हिस्सा हिफज था, यानी बुखारी के 30 सिपारे हैं, उन्होंने 6 सिपारे जो है वो हिफज किए हुए थे। जिस तरह कुरान मजीद जो है वो याद रखा जाता है पढ़कर, इसी तरह वो बुखारी का जो है वो दौर करते थे। फिर वो कहते हैं कि आपके दादा ने मुझे कह दिया कि ना ये काम ना करो, तुम ऐसे करो कि बुखारी को पूरा कर लो फिर बाद में जो है वो हिफ्ज़ कर लेना। कहते हैं अल्लाह की कुदरत, मैंने फिर बुखारी जो है वो उनके कहने के मुताबिक पूरी कर दी, फिर 6 सिपारे से आगे मैं बढ़ ही नहीं सका। फिर वैसे भी ये उम्र जो होती है ना जवानी की, वो और उम्र होती है, अब बुढ़ापे में तो जो कुछ याद होता है वो भी ज़्यादा भूल जाता है। चलिए जी अल्लाह ताला बहसब जितनी तौफीक दे वो काम होना चाहिए। तो अब ये हदीस जो है अन सालिम अन अबी है अन रोयन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अबी बकरिन व उमरा, तो ये जो है वो अबू बकर और उमर के बारे में जो है ये रवायत हो रही है। तो अब जो है वो क्या कहते हैं जी,
उरवा बिन ज़ुबैर, तो उरवा बिन ज़ुबैर ये कहते हैं कि रई तो नासा इज्तमाऊ, मैंने जो है वो लोगों को देखा कि लोग जमा हैं। और फकामा अबू बकरिन, तो जब लोग जमा हैं तो अबू बकर खड़े होते हैं और एक डोल जो है वो उसको ले लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डोल खींच रहे थे ना, तो अबू बकर ने खड़े होकर जो है वो डोल ले लिया। तो एक डोल या दो डोल ही अबू बकर ने निकाले और उनके अंदर कुछ कमज़ोरी थी, वफ़ी नज़े ही ज़ाफ़ुन, उसके खींचने में कुछ कमज़ोरी थी। वल्लाहु यग़फ़िर लहू, अल्लाह उन्हें माफ़ करे। ये इस्लामी आदाब में दुआएँ बहुत हैं। सुम्मा क़ाम इब्नुल ख़त्ताब, फिर उमर बिन ख़त्ताब इकट्ठे हुए खड़े हुए, फ़स्तहालत गरबन, तो वो जो डोल था वो फिर एक पूरा टब बन गया बड़ा। फलम अरा अब करियन, नहीं फमार आई तो फिर नासे मैं यफरी फर यहू हत्ता ज़रा बन नास हो बेहतर। देखिए ना यहाँ अल्फाज का फ़र्क है, तो मैंने नहीं देखा, वैसे सनत का भी फ़र्क है, मैंने नहीं देखा लोगों में ऐसा आदमी जो उम्र की तरह जो है वो फ्री हैंड काम करता हो। हत्ता ज़रा बन नास हो बेहतर, यहाँ तक कि लोगों ने जो है वो वहाँ अपना ठहराव जो है वो बना लिया, जिसको मैंने पड़ाव ही कह दें, इसलिए कि वो जगह पड़ाव की होती है, जो वक्ती तौर पर पड़ाव होता है, लेकिन वो होती इसीलिए है कि हमारी बारी बारी जो है वो पहले आए। आपको पता है कि आप अगर बैतुल्लाह में जाएं या मस्जिद नबी में जाएं, बैतुल्लाह में तो खैर इतनी नहीं होती बात, लेकिन मस्जिद नबी के अंदर जो है वो जब लोग बैठते हैं ना, तो वो कुछ लोग तो मुस्तकिल बैठते हैं, और उन्होंने तो रौज़ा तो मेरे आदमी जन्ना का जो है कोई एक हिस्सा वैसे ही कब्ज़ा किया होता है, और जो बाकी लोग आते हैं उन्होंने भी अगर उठकर जाना हो तो किसी को कह जाते हैं या अपनी कोई ना कोई चीज़ रख जाते हैं ताकि वापस आकर इसी जगह बैठ सकें। तो इस तरह से जो मामला बनता है, अच्छा जी, इसको बोलते हैं ठहराव भी कह सकते हैं और पड़ाव भी कह सकते हैं। पड़ाव आमतौर पर ऐसे इस्तेमाल होता है जब कोई काफिला जा रहा हो ना, तो इसी जगह पर जो है वो ठहर जाए, उसको कहते हैं पड़ाव। तो मैंने भी पड़ाव असल में इसलिए तजमा कर दिया कि थोड़ी देर के लिए तो वो ठहरते ही है ना, इन मतलब पानी इतना वाफर हो गया कि उन्होंने वहाँ पड़ाव बना दिया ताकि ये पानी जो है वो हमें जब भी ज़रूरत हो हम इस्तेमाल करें। और लोगों ने तो पानी दिया और चले गए, लेकिन यहाँ बहुत से लोग जो है पड़ाव भी डाल देते हैं। अगली हदीस, हद्दसना सईद इब्न उफैरिन हद्दसनी लैसो हद्दसनी उकैल इब्न शिहाबिन अखबरनी सईद अन्ना अबा हुरैरा अखबरहू, लो जी अबू हुरैरा की हदीस भी आ गई। तो अब जो है वो यहाँ अबू हुरैरा की रवायत यूँ है कि अबू हुरैरा खबर देते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैना अना नाइमुन, इस दौरान में कि मैं सो रहा था जी, रईतनी अला करीबिन, मैंने अपने आप को जो है वो एक जो कुआं जो है जिसकी जो है वो जब कुआं शुरू में बनाया जाता है तो वो कच्चा होता है, उसके बाद फिर कुआं जो है उसके जो ख़ास तौर पर हिस्से होते हैं ना किनारों के, वो सारे जो है वहाँ चूना लगा दिया जाता है या वहाँ प्रसर कर दिया जाता है ताकि ये कुआं जो है गिरे नहीं, तो उसको करीब कहते हैं जिसके अंदर ये प्रसर भी हुआ हुआ। वालई हाथ दलवन, और उसके ऊपर जो है वो डोल है। फनजा तो मिनहा माशाअल्लाह, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना चाहा पानी निकाला, फिर आप जो हैं वो कुछ महसूस कर रहे थे, तो अबू बकर सिद्दीक के ने अबू बकर सिद्दीक की कुनियत जो है यह वो आई है। सुम्मा अखद लहबनो अबी कुहाफा, ये अबू बकर सिद्दीक की कुनियत है, उनके बाप का नाम अबू कुहाफा था। तो वो खड़े हुए तो उन्होंने एक डोल या दो डोल जो हैं वो खींचे, और उनके खींचने में कुछ कमज़ोरी थी, अल्लाह उन्हें माफ़ करे। फिर वो जो है वो एक बड़ा टब बन गया, तो उसको फिर उमर बिन ख़त्ताब ने ले लिया।
मैंने इसका तर्जमा तब इसलिए किया है कि हमारे यहाँ ये जो पानी नीचा होता है ना, तो ख़ास ख़ास लोग चुने होते हैं जो इस नीचे पानी को जो है वो ऊपर फेंकते हैं, और वो खाली वहाँ से पानी लेना होता नहीं, बल्कि ऊपर जो है वो उन्होंने और जगह बनाई होती है, तो इतना खींच कर नीचे से जाते हैं, फिर उसके बाद ताकत से उसे जो है वो पानी को उछाल कर जो है वो ऊपर डालते हैं। ये बहुत ताकत का काम है। बस अगर मैं अब ये किस्से आपको सुनाने लगे तो बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरे ख्याल में आज छोड़ता हूँ। अब जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये काम किया, इस तरह डोल निकाल निकाल कर जो है वो ऊपर के जो थे ना, जो उन्होंने जहाँ पानी इकट्ठा कर रहा होता है तो वहाँ जो है वो पानी इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है जो वो हौज बन जाते हैं। इस तरह जो है जो वहाँ लोग होते हैं अपने जानवरों को लेकर जो है वो हौज से पानी लेने का जो है वो जानवरों को सैराब करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने जानवरों को भी पड़ाव डाल देते हैं उस हौज के पास ताकि ये पहले पानी ले सकें। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हो गई ये हदीस ये भी। तो आपने जो है वो यहाँ हदीस का कुछ लफ्ज़ों का फ़र्क था इसी इमाम बुखारी दोबारा ले आए हैं, बल्कि सनद भी बिल्कुल फ़र्क है जी। सनद भी वहाँ जो है वो सालिम उरवा बिन ज़ुबैर से जो है वो रवायत कर रहे हैं नबी अकरम के ख्वाब के बारे में, और यहाँ जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ख़बर दे रहे हैं, और अबू हुरैरा जो है मैंने आपको ये बताया था कि जो होती है ना हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उसकी ख़बर जब सहाबी देता है तो हदीसों का जो शुमार होता है वो सहाबा से होता है, तो जब भी नया सहाबी होगा तो उसको कहेंगे नई हदीस। तो इस तरह जो है वो जब भी कोई मामला पेश होता है तो सबसे पहले तो वो देखते हैं कि बुखारी मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। अब तो इस पर मुस्तकिल किताबें आ गई हैं, और एक बड़ी किताब जो है लोलो मरजान है, जो आजकल हमारी ख्वातीन के अंदर तो है बुखारी की जगह पर और मुस्लिम की जगह पर पढ़ाई जाती है, इसलिए कि बुखारी जो है ना वो ख्वातीन को बड़ी भारी लगती है, इसलिए कि इसके अंदर तो इज्तिहादात हैं, फ़न हदीस भी बहुत गहरा है और फ़न फ़िक़्ह भी बहुत गहरा है, और तमाम चीज़ें इमाम बुखारी जो हैं वो उनके बाप बांध कर जो है वो अलग अलग बहुत सी चीज़ें बयान करेंगे। आगे जो है किताबुल फितन आ रहा है, फिर उसके बाद जो है वो खबर वाहिद का बाब आ रहा है, इसी तरह फिर बाद में जो है वो अल इत्साम बिल किताब वो सुनना आएगा, फिर उसके बाद जो है किताब तौहीद आएगी बहुत लंबी चौड़ी, और मैंने आपको बताया कि ये बाब मार्के के बाब है, तो इसलिए ख़ास तौर पर जो है वो उनसे इस्तेफादा करना अहमियत रखता है। अच्छा जी, मैंने कहा था ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए थे, तो अब इमाम बुखारी ने यह बाब बांध दिया है, बाबुल इस्तराहत फिल मनाम, ख्वाब में जो है वो आराम करना। चलिए हदीस तो वही आई है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जब डोल अबू बकर सिद्दीक को दे दिया तो खुद आराम ही करते थे ना उस वक्त, यानी जैसे कि सख्त वर्जिश की जाती है तो उस वक्त दरमियान में जो है वो आराम किया जाता है। वैसे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूँ कि हम जो है वो जब वर्जिश करते थे तो हमारे वालिद साहब जो है वो बैठे होते थे और हमें वर्जिश कराते थे सुबह की नमाज से पहले, और सुबह की नमाज से पहले एक घंटा तो हम बैठक निकालते थे, और वो 50-50 करके जो है वो हम 1000 पूरी करते थे, ये हमारी आखिरी आदत थी, उसके बाद फिर हम आगे नहीं बढ़ते थे, और फिर उसके बाद हम डंड निकालते और वो होते थे 500, वो डंड जो है वो एक सांस में 500 निकलते हैं, तो इसलिए वो डंड जो है वो निकालने बहुत मुश्किल होते हैं। मुझे याद है कि हम ये डंड भी निकालते थे बाहर, यानी जो वर्जिश करते थे वो हम सहन में करते थे, तो बाहर हम जब निकल आते तो हम डंड निकालते, तो 500 डंड पूरे करते वक्त जब हम डंड ख़त्म करते तो हमारे माथे से जो है वो सख्त सर्दी के अंदर पर सीने गिर रहे होते थे, लेकिन जब मैं अपनी उंगलियां देखता तो वो नीली होती, वो ज़मीन पर पड़ी होने की वजह से वो नीली हो जाती थी, यानी इतनी सख्त सर्दी होती। तो बात सुर ये अल्लाह ताला ने शायद काम सारे करवाने थे, इस तरह से जो है वो अल्लाह ने तौफीक दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना डंड बैठक, इसके साथ इंसान का इरादा बड़ा मजबूत बन जाता है, तो हमारे वालिद साहब जो है वो बड़ा इसका ध्यान रखते थे, और ख़ुद चूँकि ज़िम्मेदार थे इसलिए फिर ऐसा भी करते हैं कि बाज़ दफ़ा
ये जो जगह है ये भी हमारा एक प्लाट था और उधर भी प्लाट था, दरमियान में रहने की जगह थी। तो इस प्लाट के अंदर जो है वारिस साहब जो है वो मुख्तलिफ सब्जियां बो देते, लेकिन जब हम इस प्लाट की खुदाई करते हैं तो कहते हैं खुदाई तुमने आम खुदाई नहीं करनी, उसको पंजाबी में कहते हैं खेलां वाली खुदाई। वो ये होती है कि आप जो है ना ये जो कस्सी होती है, जब कस्सी को मारते हैं तो वो जो मिट्टी आपके पास आती है वो आप एक तरफ फेंक देते हैं और इस तरह पूरी एक नारी बन जाती है। तो उन्होंने कहते हैं खेरियाँ, तो फिर वो नारी जब बन जाती है तो फिर जो मिट्टी इधर पहले भी थी उसके ऊपर और मिट्टी जमा हो गई, फिर जो इधर डालते हैं तो वहाँ से भी गोला कर तमाम नारियाँ बना बना कर पूरा प्लाट जो है वो हम खोद देते थे। तो ये तो असल में बात यह है कि नसीहत तो बहुत बड़ी थी लेकिन मैं इस पर अमल नहीं कर सका। यानी मकसद मेरा ये है कि मैं अपनी औलाद को जो है वो ऐसी तरबियत नहीं दे सका जो हमारे वालिद ने हमें दी थी। चलिए अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने आपको बताया है कि इमाम बुखारी हदीस वही लाते हैं लेकिन अक्सर तो सनद भी नहीं होती है, और इसके अलावा जो है हदीस के अंदर भी अल्फाज का फ़र्क होता है। देखिए ना, इमाम बुखारी को सारा ये ज़ुबानी हिफ्ज़ था, यानी मुतशाबिहात ये सारे मुतशाबिहात हैं और इमाम बुखारी को जो है मुतशाबिहात किस तरह याद थे। हद्दसना इसहाक़ इब्न इब्राहीम हद्दसना अब्दुल रज़ाक या मामरिन अन हम्मामिन अन्नहु समिअ अबा हुरैरा। ये अब्दुल रज़ाक से मुराद जो है वो इमाम अब्दुल रज़ाक हैं जो मुसन्नफ़ जो है वो मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक के जो ये बुढ़ापे में माजूर हो गए थे, यानी इन्हें तकलीफ़ हो गई थी भूलने की बुढ़ापे में, तो इसलिए इनकी हैं ये बहुत बड़े इमाम हदीस के। इनकी वो रवायत ली जाती हैं जो इस मरज से पहले की हैं और इस मरज के बाद जो रवायात हैं वो इनकी नहीं ली जाती, क्योंकि वो उसको कहते हैं मुख्तलत फ़ी कि ये आदमी जो है इसको इख्तलात बहुत हो गया है, यानी उसको बड़ा इल्तिबास होता है, बोलने की इब्तदा जो है वो इल्तिबास से होती है। अब हदीस पढ़ते हैं कि अबू हुरैरा ये कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बैना अना नायबुन, इस दौरान में कि मैं सो रहा था रही तो मैंने देखा जी इन्नी अला हाउज़िन अस्किन्नास, जो है वो रईतों के बाद अन्नी है, इन्नी नहीं है, क्योंकि इन्नी आता है जबकि पहले कोई बात हो जाए और उसका जुमला पेश कर रहा हूँ, तो रईतों अन्नी अला हाउज़िन अस्किन्नास, मैंने ये देखा कि मैं एक हौज पर हूँ और लोगों को जो है मैं पानी पिला रहा हूँ। देखिए ये भी मुमकिन है कि पहले तो जो पानी है वो नीचे से लेते हों और वो हौज में डाल देते हों और हौज जो है वो आगे, तो इसलिए जो वो नीचे से निकालने वाला काम है ना जी वो मामूली नहीं था, तो इसलिए अबू बकर सिद्दीक ने अगर एक और दो दफ़ा जो अपनी बारी पूरी की है वो कोई छोटा सा काम नहीं था कि वहाँ से असल में नीचे से पानी खींच कर हौज में डालना और फिर हौज से पानी लेकर जो है वो आगे तकसीम करना, ये इतना बड़ा काम है, तो इसलिए अबू बकर सिद्दीक जो थे वो इसमें कुछ कमज़ोरी नज़र आ रही थी। तो ये हदीस का तर्जमा करके मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। तो फ़ातानी अबू बकरन, तो मेरे पास अबू बकर आ गए, फ़ाखद अल दलवा, तो उन्होंने मुझसे डोल ले लिया, मिन यदी मेरे हाथ से, ले यूरी हनी ताकि मुझे राहत दें, ये है ना इस्तराहत, ताकि मुझे राहत दें, ये लफ्ज़ आ गया है, इसलिए उनवान भी इसके मुताबिक कैम कर दिया। फनजा दोनों बहने, उन्होंने दो डोल खींचे लेकिन उस डोल खींचने में कमज़ोरी थी, अल्लाह उन्हें माफ़ करे। फिर उमर बिन ख़त्ताब आ गए तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ से दे लिया, तो फलम यज़ल यंजा, तो ये बराबर जो है फलम यज़ल यंजा, तो वो बराबर जो है वो ये डोल खींचते रहे। ये काना के अखवात में जो है वो लफ्ज़ शामिल है ज़ाला यज़ूलो, तो इसके अंदर जो है वो इन्होंने इसका मुज़ारे इस्तेमाल किया है, तो इसलिए इसका तर्जमा किया जाएगा
इस्तमरार की सूरत में, फ़लम यज़ल, वो मुस्तकिर रहे खींचते हुए, हत्ता तवल्लन नास, हो यहाँ तक के जो हैं वो लोग वापस हो गए, मतलब लोगों ने जो पानी लेना था उन्होंने पानी लेकर वापस चले गए, वल हौज़ो या तफज्जर हो, और जो तालाब था वो अभी जो है वो जोश मार रहा था, यानी उसके अंदर बड़ा पानी था। तो अब ये भी हो सकता है कि यहाँ हौज़ से मुराद उन्होंने वो जगह ली हो जहाँ से पानी दिया जा रहा है, और हौज़ से मुराद ऐसी जगह भी हो सकती है कि जो पानी की जगह होती हैं वहाँ कोई हौज़ बना लिया जाए। तो चलिए जी, अब मैं आपको जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ ख्वाबों की जो है वो ताबीर नहीं करते थे। तो इस ख्वाब में जो है वो असल में इशारा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन कौन होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पानी खींचा है तो पीछे आप पढ़ाए हैं कि ये जो चश्मा होता है ना अपना, तो इस चश्मे से मुराद जो है वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाना होता है। और चूंकि इस्लाम जो है वो रिफाई कामों से शुरू होकर फिर बाद में जो है वो ईमान और अमल सालेह पर ख़त्म होता है, यानी इस्लाम के अंदर पहले रिफाई काम है ताकि लोगों से कुर्बत हो जाए, और अंबिया जितने भी हैं वो लोगों में नबूवत का पैगाम देने से पहले रिफाई काम करते रहे हैं। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो खदीजा ने कहा ना कि जब वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे और बुखार हो गया तो कहने लगी खदीजा कि आपको अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, आप तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। वो रिफाई काम उन्होंने गिन दिए। तो उसके अंदर ये भी था कि आप जिसको मुसीबत होती है, जिसको जो बोझ नहीं उठा सकता आप उसका बोझ भी बांट लेते हैं, फिर इसी तरह जो है जिसको हक के मामले में जो है वो कोई तकलीफ़ आ जाए आप उसके भी काम आते हैं। तो इसी तरह आप मेहमान नवाज हैं, ये सारी खूबियाँ जो हैं हदीस खदीजा के अंदर मौजूद हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने तो ज़ाहिर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन ऐसे कई काम थे जो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हो सके। अब जैसे कि जो कैसर और किसरा के ख़जाने हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख्वाब सुनाया, लेकिन ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो कैसर और किसरा फ़तेह नहीं हुए, तो वो जाकर हज़रत उमर के ज़माना में फ़तेह हुए। तो असल में अल्लाह का शुक्र है कि हज़रत उमर को जो है वो इस बात की समझ आ गई, उनके हाथों अल्लाह ने करवाया है, इसलिए कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मौत हज़रत उमर ने ना तस्लीम कर रहे थे उसकी वजह से ये थी कि आप झूठ नहीं बोल सकते। तो अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें समझाया कि नहीं, असल में आपका जो मिशन है वो सारा आपने पूरा नहीं करना, बल्कि आपकी जो है वो आपकी जो मिल्लत है उसने पूरा करना है। असल में जो इज्तिमाई काम होते हैं ना उनको इस्लाम के अंदर जो है वो मिल्लत कहा जाता है। तो वैसे अगर किसी ने पढ़ना हो मिल्लत की पूरी बात तो मुहद्दिस में जो है मेरी तकरीर मौजूद है, और उसको जो है वो अल्फाज की शक्ल देकर जो है मुहद्दिस में छपी हुई है मिल्लत के मौजू पर, लेकिन बहुत पुरानी है, कोई 25-30 साल पहले की। तो मैंने आपको बताया कि आम तौर पर जो जदीद चीज़ें होती हैं जैसे कि कानून है और जिस तरह सियासत है उनके अंदर जो है वो मैं इल्मी मेहनत करता रहा हूँ, यानी इल्मी काम होते थे तो मैं शरीक हो जाता था, बाकी दूसरी सियासत से अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो इस ख्वाब की भी ताबीर नहीं की कि इससे मुराद जो है वो क्या है, लेकिन ये ख्वाब बता रहा है कि हज़रत उमर के ज़माना में जो है वो बहुत तरक्की होगी। असल में उसकी वजह ये है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं जब वो आए हैं तो बहुत से फितने खड़े हो गए थे, इसलिए कि मुसालमा कज़्ज़ाब का नबूवत का फितना भी था, और ख़त्म नबूवत का गोया कि आप समझिए ये फितना भी उन्हें पेश आया,
इसी तरह जिन लोगों ने कहा कि हम ज़कात आपको नहीं देंगे, क्या मतलब है कि जो ज़कात जो है वो बैतुल माल जो होता है मरकज़ी बैतुल माल उसके अंदर जो जमा कराई जाती है वो ज़कात जो है वो खलीफा के कंट्रोल में होती है। उन्होंने कहा ये तो सिर्फ अल्लाह के रसूल को ज़कात लेने का हक था, हम आपको नहीं देते। तो इसलिए उन्हें जो है वो मानेन ज़कात जो है वो अगरचे काफिर नहीं है लेकिन उनसे लड़ाई लड़नी पड़ी। और इतना उन्होंने जो है वो दिफा का बड़ा काम किया, यानी मतलब है जो चीज़ें मुंतशिर हो रही थी उनको संभाला है, और जब संभाल लिया तो उसके बाद जो काम है वो हज़रत उमर को आसान हो गया। तो हज़रत उमर ने जो है वो आपका जो काम था अबू बकर सिद्दीक के अंदाज़ पर अल्लाह बिन हाजिन वो उन्होंने भी काम किया, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बात है वो ये है कि हज़रत अबू बकर का मिजाज था बहुत धीमा सा मिजाज था, तो इसलिए धीमा शख्स होता है वो ज़्यादा जोशीला नहीं होता, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो जोशीले थे, तो इसलिए वो अपना जोश भी दिखाते। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने जब हज़रत उमर को अपना खलीफा बनाया तो उस वक़्त आपने मुख्तलिफ लोगों से मशवरे किए, और उनमें एक अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि उन्होंने कहा मैंने इरादा किया है कि मैं उमर के बारे में वसीयत कर जाऊं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े समझदार आदमी थे, उन्हें बुलाकर मशवरा किया और औरों से भी मशवरा किया। तो वो कहने लगे देखो बात यह है कि उमर में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात है उमर जोशीले बड़े हैं, इसलिए ख़तरा है कि जोश में बहुत सारे काम जो हैं वो गलत हो जाते हैं ना। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगी कि असल बात यह है कि उमर का जोश मेरे धीमेपन की वजह से था, कि मैं बात जब करता धीमी करता वो मेरी मुखालफत में जब बात करते बल्कि वो इतने चिढ़ जाते कि बाज़ दफ़ा कहते हैं उमर तेरा तो काम ही है तूने मेरी मुखालफत करनी है। तो वो धीमा मिजाज रखते थे और इधर लेकिन दीन के मामले में धीमे नहीं थे। देखिए मानिन जकात से उमर ही तो हायल थे, लेकिन उन्होंने मानिन जकात से जो है वो लड़ाई की है। वो कहते थे ये काफिर नहीं है, अभी काफिर ना भी हो लेकिन अगर कोई इस्लामी खिलाफत का काम जो है जो जिम्मेदारी है वो नहीं देते, मरकजियत जो है वो इस्लाम की टूट रही है। तो ये इस्लाम की मरकजियत के बारे में थी, इसलिए मैंने आपके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मिल्लत का। असल में अगर आप इस्लामी निज़ाम को देखें तो उसके अंदर नबी के बाद जो है मिल्लत होती है, मिल्लत नबी कायम करता है, लेकिन उसके बाद उसकी जगह पर उसके जानशीन आते हैं जो मिल्लत के सरबराह होते हैं। चलिए वैसे ये बात जो है मैंने आपको इशारा कर दिया मुहद्दिस में। चलिए जी बाबुल क़स्र फिल मनाम, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ये लें जी अल्लाह का शुक्र है।